गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी को जय श्री राधे। कैसे हैं आप सब? और मॉर्निंग हो गई है, 8 बज गया है और आज की स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग की हमारी चाय से। तो बस बन रही है गर्मा गर्म चाय, आइए आप भी पी लीजिए हमारे साथ बैठ के। और बेटू अभी सो रहा है और ये हमारे गार्डन की मिर्ची हैं, ये तोड़ कर लाए हैं। मिर्ची ख़त्म हो गई, मैंने कहा मिर्ची तोड़ लेनी, ये पक गई हैं, कोई नहीं। और ये बाहर बैठे हैं, काम वगैरह हो गया। अच्छी खिली खिली धूप निकली हुई है आज, और कोई आया है तो ये बाहर है। मैंने भी ब्रश व्रश किया है, फ्रेश हुई, ब्रश किया है, अभी नहाया नहीं है, चाय चढ़ा दी है। और कल रात में सोते सोते बहुत लेट हो गया था, अप्रॉक्स 1 बज गया था। काम किया, उसके बाद बेबी है तो उसको सुलाने में टाइम निकल गया, और पैकिंग वगैरह करनी थी। तो पैकिंग किस लिए आप सोच रहे होंगे, तो पैकिंग कर रहे थे, हमें जाना है ससुराल, मतलब मुझे मेरे ससुराल जाना है। अशोक जी का तो मायका ही है, तो ससुराल जाना है। और पितर पक्ष माने वाले हैं ना, तो हमारे जो दादा दादी हैं वो उनका पितर मिलन है, कह सकते हैं वो श्राद्ध होता है जो वो है, तो बस उसी के लिए हम जाने वाले हैं। तो हम लोग आज निकलने वाले हैं, रिजर्वेशन तो करा दिया था पहले ही। एक्चुअली पहले डिसाइडेड नहीं था कि होना है इस साल प्रोग्राम की नहीं होना है, तो ये हुआ कि क्यों पड़ा रहने दें, जितनी जल्दी ये चीज़ें हो जाए उतना अच्छा होता है ना। तो बस अचानक से तैयारी बनी, तो हम लोगों ने रिजर्वेशन अप्रॉक्स हफ्ते भर पहले कराया, पहले रिजर्वेशन नहीं कराया। तो अभी रिजर्वेशन हमारा वेटिंग चल रहा है, अब आई होप क्लियर हो जाए वेटिंग। वैसे वेटिंग तो कम हो गई है, तो वेटिंग कम हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाए। बोलने लगी है हमारी चाय, बनने वाली है करो ही। अब मैं देखती हूँ मैं इसकी चटनी बनाऊं, की सब्जी बनाऊं, या मूंग दाल में डाल के बनाती हूँ, देखती हूँ। पहले छील के काट लेते हैं, चाय तो चढ़ गई है, राइस भी चढ़ा दी है हमने। क्लियर नहीं हुई तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, फिर हमें दूसरा रास्ता देखना पड़ेगा कि हम कैसे निकले। तो बस इसीलिए एकदम तैयारी लगी हुई थी। अपना सामान तो कम ही होता है, जब बच्चे हो जाते हैं तो उनका बहुत सारा सामान होता है, अप्रॉक्स उनका एक एक खिलौना बड़ी ध्यान से रखना पड़ता है, तो बस वही सामान मैं रख रही थी, तो बहुत लेट हो गया था। और सच में कल मैं जो थकी थी ना, और आज भी थकान लग रही है, कुछ हिम्मत नहीं हो रही है काम करने की, बहुत थकान हो जाती है। तो बस अभी चाय बना रही हूँ और बज गया 8:30। चाय वगैरह पियेंगे, उसके बाद मैं जाऊँगी नहाने के लिए, जल्दी जल्दी खाना प्रिपेयर करूँगी। मतलब जिस दिन जाना होता है उस दिन इतने सारे काम याद आते हैं ना, कि एक के बाद एक इतने सारे काम, समझ में नहीं आता यार। कहीं भी जाओ एक दिन के लिए भी अगर आप जाते हो ना, यहाँ का अलग व्यवस्था करके जानी पड़ती है, और वहाँ के लिए तो जानी ही पड़ती है, एकदम दिमाग घूम जाता है। तो बस जल्दी से पी लेते हैं चाय और जल्दी जल्दी काम निपटाते हैं अपने, जितनी जल्दी हो सके मैं करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन वो उतनी जल्दी हो नहीं पाता जितनी जल्दी अपन सोचते हैं। मैं यहाँ पर नहा कर आ चुकी हूँ और मैंने तरोई बनाई है दाल डाल के, क्योंकि बच्चा भी खा लेगा, वो दाल खाता है। वैसे मैं उसको सब थोड़ा थोड़ा सा खिलाने लगी हूँ कि उसको टेस्ट समझ में आए, और उसको दाल अच्छा भी लगता है। तो मैंने वो तरोई मूंग दाल में डाल के बनाई है, उसकी रेसिपी मैं आपको ज़रूर दूंगी कि बहुत टेस्टी बनती है। फिलहाल मुझे जल्दी जल्दी थी आज, तो मैंने शूट नहीं किया खाना,
तो मैंने दाल इनको दे दी थी कि ये बच्चे को खिला दे, ये खिला रहे हैं। और ये बेटू खा रहा है दाल, कैसी लग रही है भैया को? इधर बताओ अर्चल, मुझे अच्छी लग रही है, मैं मुंह में भरा हूँ, सारा मुंह मेरा भरा। खिला रहे हैं, मेरा काम होता है बनाने का कि अलग अलग ऐसी चीजें क्या बनाऊं जो इसको अच्छा लगे खाने को, तो मैं इसके लिए बनाती हूँ। और इसको खिलाने का काम इनके पापा का रहता है, वो जैसे भी जतन करके खिलाते रहते हैं उसको, कैसे ना कैसे जुगाड़ लगा के कुछ तो खाए, कैसे तो खाए, कहीं कटोरी से, कहीं चम्मच से, कहीं कुछ भी। हम लोग इसको दूध रोटी भी थोड़ा सा गला देते हैं दूध में रोटी, और फिर उसको मैश करके खिलाते हैं, दूध चावल हो गया, और इवन मतलब सब कुछ खिलाते हैं जो हम खाते हैं। तो आजकल हमारे खाने में मिर्ची तो बिल्कुल पड़ती ही नहीं है, क्योंकि इसको खिलाना पड़ता है, तो फिर ये होता है कि चलो रहने दो, जिसको खाना ऊपर से खा लो। इसको बेवकूफ सा बनाना पड़ता है कि मुंह खोल चम्मच इसके मुंह। हम लोग बड़े उससे खिलाते हैं उसको, लेकिन कल रात में चॉकलेट खा रहा था, मैं उसको चॉकलेट खिला रही थी। तो अब जाती हूँ जल्दी से थाली लगा लेती हूँ, मुझे भी भूख लग रही है, इनको भी खाना दे देती हूँ, क्योंकि ऑफिस का टाइम हो गया है, फिर ऑफिस के लिए निकलेंगे। और फिर उसके बाद तो इसकी मैं मालिश वगैरह करूँगी, अभी ये सोकर उठा था तो मैंने इसकी मालिश नहीं करी, मालिश करूँगी, सो जाएगा तो जल्दी जल्दी और भी जो काम है वो करूँगी। और दाल उसने खिला दी उसके फ्रेंड्स हैं तो अकेले थोड़ी खाएगा, शेयर करके खाएगा, वैसे भी शेयरिंग इज केयरिंग, वो जानता है शेयर करके खाता, अच्छी बात तो है। तो खाना वगैरह हो गया था, ये अपने ऑफिस निकल गए और ये थोड़ा देर मालिश के बाद सो गए थे, फिर से जाग गए। और मैं सोच रही हूँ कि कुछ काम कर लूँ, तो मैं कर नहीं पा रही हूँ, गोदी से उतर नहीं रहे हैं, और अगर गोदी से थोड़ा सा उतार दो तो बस रोने लग जाते हैं। फिलहाल अभी खिल्लू कर रहे हैं, तो वो मैं क्या करती हूँ कि जैसे मुझे कोई सामान रखना है और एंड टाइम पे कोई ना कोई सामान छूट जाता है, आप कितना भी याद करो, तो जिस टाइम आपको जो सामान याद आए आप रख लो। और मैं क्या करती हूँ, एक लिस्ट बना लेती हूँ कि मुझे क्या क्या रखना है, क्या क्या लेके जाना है, तो उसी फिर लास्ट में मैं देख लेती हूँ क्या रख लिया क्या नहीं रख लिया, इससे बहुत ईजी हो जाता है। हम तीनों के बैग अलग अलग है, हम अपना सेपरेट सामान रखते हैं, ऐसे में इजी हो जाता है सामान ढूंढना, नहीं तो एक साथ में रखो तो फिर वो बिखर जाता है, समझ में नहीं आता है कहाँ क्या रखा हुआ है। कैसे सुन रहे हो, क्या सुन रहे हो, मम्मा को काम नहीं करने दे रहे हो कि थोड़ा सा खिल्लू कर लो? तो बस अभी शाम को क्लियर हो जाएगा, 3-4 घंटे पहले क्लियर हो जाएगा कि हमारी जो रिजर्वेशन कराई थी वो सीट क्लियर हो गई है, तो हम रात में निकलेंगे, और अगर क्लियर नहीं हुई है तो फिर मॉर्निंग में हम निकलेंगे। अभी है शाम के बज रहे हैं 7, और मैं थोड़ा सा सुमन के घर पे आई थी, मैं थोड़ा सा अपने ब्लाउज को थोड़ा सा फिटिंग कराने के लिए आई थी, और हम लोग 8 बजे निकलने वाले थे लेकिन नहीं निकल पाए, क्योंकि हमारा जो रिजर्वेशन था वो क्लियर नहीं हुआ, वेटिंग था तो वेटिंग क्लियर नहीं हुई, तो हम लोग नहीं निकल पाए, हम लोग मॉर्निंग में निकलेंगे। ये सुमन, तो मेरा ब्लाउज फिटिंग कराना था मैंने आपको बताया, तो बस अभी मैं सोच रही हूँ कि आ जाएँ ऑफिस से, फिर मैं घर जाऊँ, क्योंकि अंधेरा हो गया होगा, बाहर की लाइट नहीं जल रही है। इन लोगों की नोटन क्या चल रही है, और पेन लाइक नहीं दबाएगी, आपको दबाना है, और मौसीकी फॉलोवर्स और सब्सक्राइबर्स को बढ़ाना है। हाँ सुन लीजिए, इतने छोटे छोटे बच्चे हैं लेकिन कितना ज्ञान है इन लोगों को, देखिए है सब ड्रामा क्वीन है ये, एक नंबर की। ठीक है ठीक है ठीक है, आज हम लोग बहुत लेट हो गए हैं, कल क्योंकि निकलना है, तो आज मैं ऑफिस से भी बहुत लेट आया हूँ, क्योंकि जब कहीं जाना हो बहुत सारे काम पड़ जाते हैं, फिर ये लगता है ये भी काम कंप्लीट कर लो, सर लोगों के फोन आने लगे, फिर टाइम हुआ अभी 9:30 बजे का, अभी आए 9:30 बजे, और जब तक मैं बच्चे को संभाल रही थी, खाना भी कुछ नहीं बन पाया, तो मैं सोचा चलो पुलाव जल्दी से बना लेती हूँ, क्योंकि खाना खा के पूरा साथ में रात में ही सारे बर्तन वगैरह वॉश करने, किचन वगैरह साफ करनी, क्योंकि हमें 5 बजे निकलना है, इसलिए मुझे पुलाव ईजी लगा, तो बस वही बना रहे हैं।
मैं तो मना कर रहा था कि ना कुछ बनाओ, लेकिन अब भूख तो लगी है तो बनाना तो पड़ेगा ही। सामान तो सारा पैक हो गया है, लेकिन क्या है को रहता है, कुछ ना कुछ रह जाता है जाने के नाम का। एक जो दिमाग में टेंशन चलता है ना,